तो यार फाइनली मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसकी डिमांड पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं की थी। अब यार कोई डिमांड करे ना करे, मेरा मन किया मैंने बना दिया। चल ठीक है। और शायद मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या करूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया कि क्यों ना लिजार्ड वर्सेस हल्क बनाया जाए, क्योंकि टॉपिक तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा बना देते हैं लिजार्ड वर्सेस हल्क। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोनों के इंट्रोडक्शन एंड पावर्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें हल्क के इंट्रोडक्शन एंड पावर्स के बारे में, तो यार हल्क के बारे में तो हर कोई जानता है। तो हल्क को पावर्स मिलती है सुपर सोल्जर सीरम और गामा रेडिएशन से। तो अब बात कर लेते हैं हल्क के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, और हल्क लंबे लंबे जंप्स भी मार सकता है, और किसी भी नॉर्मल वेपन से हल्क को चोट पहुंचाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब बात कर लेते हैं लिजार्ड के इंट्रोडक्शन एंड पावर्स के बारे में। तो लिजार्ड यानी कि डॉक्टर कर्ट कॉनर्स। तो डॉक्टर कर्ट कॉनर्स एक बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट रहते हैं, और फिर वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके लिजार्ड बन जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लिजार्ड के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो लिजार्ड के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर तो है ही, और ये छिपकलियों की तरह दीवार पे भी चढ़ सकते हैं। बात करें राउंड्स की, तो ये मैच होगा टोटल 3 राउंड्स में, जो कि है स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी। तो अगर बात करें हल्क के स्ट्रेंथ के बारे में, तो हल्क की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली थी इस सीन में जब उसने एक पंच में लवायथन को रोक दिया था। तो हल्क ने इस लवायथन को रोका था, और रोकने में और उठाने में काफी फर्क होता है, तो इसीलिए मुझे गूगल बाबा की हेल्प लेनी होगी। तो गूगल बाबा के हिसाब से हल्क 100 टन्स का वेट उठा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं लिजार्ड के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो लिजार्ड की भी स्ट्रेंथ अच्छी है, पर अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 मूवी में उसकी स्ट्रेंथ अच्छे से कहीं दिखाई ही नहीं गई है। मतलब मूवी में उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं जहां में उसकी असली स्ट्रेंथ देखने को मिले। लेकिन हां, उसने हर बार स्पाइडरमैन को ओवरपावर किया है। मतलब जब मूवी में स्पाइडरमैन और लिजार्ड की फाइट हो रही होती है, तो हर बार लिजार्ड स्पाइडरमैन को ओवरपावर करता है, और स्पाइडरमैन कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है उससे बचने का या फिर उससे भागने का। लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्पाइडरमैन ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता है लिजार्ड के आगे। तो देखो लिजार्ड की स्ट्रेंथ जानने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि मैं गूगल बाबा की हेल्प ले लूं। तो देखो गूगल बाबा के हिसाब से लिजार्ड 13 टन्स का वेट उठा सकता है। तो यार बात क्लियर है, 100 टन्स, 13 टन्स, तो स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है हल्क के नाम। तो अगर बात करें हल्क की स्पीड के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया कि हल्क दौड़ता नहीं है, वो हमेशा लंबे लंबे जंप्स मारता है, और हल्क की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, और हल्क एक ही जंप में काफी डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो गूगल पे एक वेबसाइट है जो बताती है कि हल्क की स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है। तो ये तो बात हो गई हल्क की स्पीड के बारे में। अब बात कर लेते हैं लिजार्ड की स्पीड के बारे में। तो देखो भाई लिजार्ड की स्पीड अच्छी होगी, पर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में हमें उसकी स्पीड कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। मतलब कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, चाहे आप मूवी का स्टार्टिंग का फाइट सीन ले लो या फिर एंड का फाइट सीन। हां, एक आध सीन है जहां हमें उसे बिल्डिंगों पे चढ़ते दिखाया गया, लेकिन वो भी सिर्फ एक एक सेकंड के लिए, जिससे हम लोग कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लिजार्ड की प्रॉपर स्पीड जानने के लिए मैं गया गूगल पे, और वहां पर एक वेबसाइट बताती है कि एक नॉर्मल इंसान की जितनी कैपेसिटी होती है दौड़ने की, लिजार्ड उससे भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है। तो वर्ल्ड के फास्टेस्ट मैन का रिकॉर्ड है 44 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग तो ऐसा बोल ही सकते हैं कि लिजार्ड की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तो होगी, लेकिन फिर भी लिजार्ड हल्क की स्पीड को मैच नहीं कर सकता। तो इसीलिए स्पीड वाला राउंड भी जाएगा हल्क के नाम। तो अगर बात करें हल्क की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हल्क की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। लिटरली अर्थ का कोई भी वेपन उसको चोट नहीं पहुंचा सकता, और गोलियां, बम, बारूद इन सबसे उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हल्क इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि उसका एक बूंद खून निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हल्क की ड्यूरेबिलिटी हमें मूवी में बहुत जगह पर दिखाई गई है, क्योंकि हल्क हमें काफी सारी मूवीज में दिख चुका है। तो बात यही है कि हल्क की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं लिजार्ड के ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो देखो लिजार्ड की भी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। तो पहली बात तो लिजार्ड के पास भी हल्क के जैसा रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, तो अगर उसका हाथ पैर कुछ भी करता है तो वो दोबारा ग्रो हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है कि लिजार्ड को अर्थ का कोई भी वेपन चोट नहीं पहुंचा सकता। उसको चोट पहुंचाया जा सकता है, पर उसका हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा फास्ट है, जिसकी मदद से वो काफी जल्दी हील हो जाता है, और उसको गोलियां भी लगती हैं। तो हाँ, उसको गोलियां भी लग सकती है, पर उससे भी वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। मतलब उसका हीलिंग फैक्टर बहुत ज्यादा फास्ट है, लिटरली वो एक एक सेकंड में हील हो जाता है। और लिजार्ड का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा फास्ट है। मतलब उसका हाथ पैर कुछ भी करता है तो वो एक सेकंड में ग्रो हो जाता है, लिटरली एक सेकंड में। और भाई इतनी जल्दी तो डेडपुल का भी कोई सा पार्ट ग्रो नहीं होता। मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि डेडपुल का हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा फास्ट है। तो सोचो भाई लिजार्ड का हीलिंग फैक्टर डेडपुल से भी ज्यादा फास्ट है। लेकिन भाई जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ के कोई भी वेपन से तुम लिजार्ड को चोट पहुंचा सकते हो, और अमेजिंग स्पाइडरमैन के इस सीन में स्पाइडरमैन ने बस लिजार्ड की पूंछ पकड़ी हुई होती है, और 2-3 बार दीवार से लड़ते ही उसकी पूंछ उखड़ जाती है, और हाँ फिर एक ही सेकंड में उसकी पूंछ ग्रो भी हो जाती है। लेकिन भाई ये एक वीक पॉइंट हो सकता है लिजार्ड के लिए, और अगर लिजार्ड को लगातार गोलियों से मारा जाए तो वो एक टाइम के लिए बेहोश भी हो सकता है, और उसको गोलियों से हर्ट भी होता है भाई। तो मेरे हिसाब से अगर हल्क लिजार्ड को पंचेस मारना स्टार्ट करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि लिजार्ड ज्यादा टाइम तक टिक पाएगा हल्क के आगे। तो मैं ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड भी देता हूँ हल्क के नाम। तो देखो भाई 3 राउंड्स खत्म हो चुके हैं, और स्कोर है लिजार्ड 0 हल्क 3। तो इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया, जो कि है हल्क। तो देखो भाई अगर कोई लिजार्ड के फैन हो तो गुस्सा मत होना बिल्कुल भी, जो रिजल्ट आया सो मैंने बता दिया। तो देखो यार अगर कभी भी हल्क और लिजार्ड के बीच में फाइट होती है, तो उस फाइट का विनर हल्क ही होगा, क्योंकि भाई हल्क को एक बार देखो और एक बार लिजार्ड को देखो। हाँ मुझे पता है कि लिजार्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, पर वो हल्क के आगे ना टिक पाएगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।
लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, मैं कितना बोलता हूँ तुम लोग करते नहीं तो कर लेना। और अगर किसी वीडियो को लेके कोई सजेशन हो तो भी मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।